सो फ्यू डेज बैक आई वॉज टेकिंग अ लाइव सेशन एंड उस सेशन के अंदर किसी ने मुझसे ये सवाल पूछ लिया, सर ये बिम एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है? सवाल काफी अच्छा है राइट, क्योंकि अगर हम देखें सो वी हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोज ऑन द बिम, ओके, और हमने इससे पहले कैड वर्सेस बिम पे भी वीडियो बनाई है और बी एम के हमने बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं, सॉफ्टवेयर पे भी ट्यूटोरियल बनाए, बट एक चीज हमें नहीं पता कि ये एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है। इफ इनफैक्ट बहुत से लोगों को ये पहली बार देखकर अचंभा आ रहा होगा और कुछ लोग तो देखकर ये सोच रहे होंगे ये कौन सी नई टर्म है भाई, ये हमने पहली बार सुनी है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये चीज होते क्या है, ये किस स्टूडियो का नाम है, सो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट दिस थिंग। तो अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं और लोग मुझे नहीं जानते, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ रजत फासल एंड आई एम द कैड एंड डेविड टेमी की ट्रेनर फॉर द पीटीएस कैड एक्सपर्ट। पीटीएस कैड एक्सपर्ट एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम एसी इंडस्ट्री रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स और वीडियोस हम डालते रहते हैं, हम उस पर सॉल्यूशंस भी देते हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्यूटोरियल देते हैं, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ शॉर्ट इंट्रो अबाउट मी एंड द चैनल। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे के बारे में कि मेन मुद्दा क्या है। सो मेन मुद्दा ये है कि बिम एग्जीक्यूशन प्लान बोलते किसको है, ये इसमें काम कैसे होता है, ये एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, इसमें किस प्रकार की डिटेल्स होती हैं, कि एक प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा बिम के अंदर, काम किस प्रकार से होगा, क्योंकि हमें बस एज अ पर्सन आपको बस इतना ही पता होगा कि हाँ बस हमें काम करना है, हमने हमारे पास क्लाइंट आएगा, प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर हमें इस बारे में पता ही नहीं कि हमारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन इसमें पर्सन इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन सी कंपनीज आएंगी, इफ़ यू डोंट नो दैट तो कोई फायदा नहीं है बीआईएम सीखने का। तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर इंटरव्यू पॉइंट, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से दो मिनट चाहूंगा, इफ यू वांट टू लर्न रेविट एमईपी इन वेरी डिटेल सो यू कैन चेक आउट माय कोर्स ऑन द पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऐप विच इज लिंक इज इन द गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पे आप काफी सारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं, इवन माई कोर्सेज देयर, और लाइव सेशन अभी भी रिसेंटली फिनिश हुआ है, तो जल्दी ही हम एक नया बैच भी अनाउंस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और हाँ, साथ ही साथ में अगर आपको अपने आप को और अपग्रेड करना है विद अदर डिफरेंट कोर्सेज, सो यू कैन चेक आउट मोर देन 30+ कोर्सेज आर अवेलेबल देयर, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड। BIM Execution Plan, in short BEP, in short BXP. Basically, इसका मतलब क्या है? So basically, it is a document which contains number 1, project information, number 2, roles and responsibilities, number 3, project stages, number 4, LOD, model elements, software used. ठीक है? तो ये 6 points हैं जो कि define करते हैं about the BIM Execution Plan. नहीं समझ में आया? थोड़ा सा layman term मैं explain करता हूँ. देखिए, जब हम प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, डिजाइनिंग फेज में जब हम होते हैं प्रोजेक्ट के, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत अलग तरीके से काम करती हैं, क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है कि किसका काम क्या है। तो बेसिकली इस चीज़ को संभालने के लिए, ताकि जो प्रोजेक्ट है वो इतना कोलाइड ना करे, या फिर जो मतलब बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, यानी कि आपस में लोग लड़ाई ना करें कि किसका रोल क्या है, किसका रोल क्या है, क्योंकि एक बात आप समझते हो कि प्रोजेक्ट एक आदमी से नहीं संभलता। मैं बता दूं, इंटर द इंडस्ट्री अभी करंटली लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कोई 30,000 का है, कोई 50,000 करोड़ का है, कोई 100,000 करोड़ का है, मतलब 1,00,000 करोड़ का है, कोई 100 करोड़ का है, कितने भी करोड़ों के प्रोजेक्ट्स चल रहे हों, उनमें सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ आती है कि उसकी डिज़ाइनिंग किस प्रकार से हो रही है, उसमें डेवलपमेंट कितना है, उसमें डिटेल कितना है। अब ये सब जानने के लिए, इन सब को समझने के लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट का वो सारा लेखा जोखा होता है कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बेसिकली उसको आप डिज़ाइनिंग का ब्लूप्रिंट कह सकते हो, ठीक है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि प्रोजेक्ट कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे कैसे चीज़ें रहेंगी, कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, डिज़ाइनिंग कौन करेगा, मतलब किसके हाथ में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स रहेंगे, किसका काम क्या होगा, वो सब उस प्लान में मेंशन होता है, ठीक है। अब इतना तो चलो समझ में आ गया कि ये एक ऐसा प्लान है जिसमें चीज़ें होती हैं। अब ज़रा बात करते हैं कि जो ये 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन 6 पॉइंट्स का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन की बात की, फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रोजेक्ट स्टेजेस, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मॉडल एलिमेंट्स और सॉफ्टवेयर यूज़। बेसिकली ये 6 पॉइंट्स के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं,
और इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके बताते हैं। सबसे पहला आता है प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इसका एक सैंपल भी है जिसमें मैं आपको ये शो करूंगा कि जो बिम एग्जीक्यूशन प्लान है वो दिखता कैसा है। मैं बता दूं कि ये सैंपल है कम्प्लीटली और काफ़ी आपको डिजाइनिंग में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट लगे बाकी सब बिम एग्जीक्यूशन प्लान से, लेकिन ओवरऑल चीज़ें सेम ही आती हैं। ठीक है, लेट मी शो यू। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये है हमारा बिम एग्जीक्यूशन प्लान। ये एक तरीके का सैंपल है, बेसिकली ये इंटरनेट पे आपको ऐसे बहुत से मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज, ताकि चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एक ओवरव्यू हम गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, बहुत सारी चीज़ें इसमें, लेकिन डिटेल्स अभी इसमें गिवे नहीं बिकॉज इट्स अ सैंपल। ओके, तो जो सबसे पहला पार्ट था दैट इज द प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसका मतलब क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आएंगे, ये देखिए दिस इज द प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्ट नंबर। ओके, प्रोजेक्ट नंबर मतलब ये कह सकते हो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का कोड मेंशन होता है कि प्रोजेक्ट का कोड क्या है, कोड नंबर क्या है, वो यहाँ पे मेंशन होता है। प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, प्रोजेक्ट बन कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, फिर डिलीवरी टाइप, कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या है, वो यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट का साइज क्या है, मतलब क्या स्केल वगैरह जो हम बेसिकली लेके चलते हैं, और एक जनरल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जनरल डिस्क्रिप्शन की डिटेल्स, जो जनरल डिटेल्स होती हैं वो हमें देखने को मिलती है इन टू द प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रोजेक्ट की एक बेसिक ओवरव्यू होता है इन टू दिस पार्ट। ओके, तो ये हमारा पहला जो पॉइंट है बिम एग्जीक्यूशन प्लान का, दैट इज द प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट, दैट इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बेसिकली ये पार्ट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अब नीचे आते हैं, मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप आएंगे डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होता है बेसिकली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे कि यहाँ पे आर्किटेक्चरल, ठीक है, बिम इंजीनियर, स्ट्रक्चरल बिम इंजीनियर, मैकेनिकल बिम इंजीनियर, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली यहाँ पे हम डिफाइन क्या करते हैं, कौन कौन से क्या क्या काम होगा। जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मेंशन होता है, बेसिकली कंपनीज यहाँ पे मेंशन होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट नेम, नेम क्या है उन पर्सन का जो लीड कर रहा है उनको, फिर लोकेशन क्या है इन कंपनीज की, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। अब अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है उठ के कि सर बिम एग्जीक्यूशन प्लान ऐसा नहीं दिखता, ऐसा दिखता है, या फिर डिजाइनिंग में ऐसा दिखता है। नहीं, हर कंपनी का बिम एग्जीक्यूशन प्लान वेरी करता है, लेकिन जो कोर स्ट्रक्चर होता है वो तभी लगभग सभी में सेम होता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है आपको। तो बेसिकली इट्स जस्ट लुक लाइक ब्लैंक, अभी आपको ब्लैंक दिख रहा होगा बट इट्स जस्ट एन सैम्पल। ओके, यहाँ पे चीज़ें अभी गिवन नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि चीज़ें किस प्रकार से मेंशन है। तो यहाँ पे बेसिकली इसमें क्या डिफाइन होता है कि किसका काम क्या क्या होगा। ठीक है, ताकि प्रोजेक्ट जो है वो उलझे ना। ठीक है, मैगी की तरह मान लीजिए, अब आपको पता ही नहीं है। जैसे मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल अगर मैं बोलूँ या फिर एक सिंपल लॉजिक से समझो, दैट इज़ कि प्रोजेक्ट एक ही पर्सन हैंडल नहीं करता। ठीक है, एक इंसान प्रोजेक्ट कभी नहीं संभाल सकता, कि वही डिजाइनिंग का काम भी देखेगा, वही कंस्ट्रक्शन का काम भी देखेगा, वही ये भी करेगा, वो भी करेगा। अब इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा जो है काम जो सर पे होता है, वो तो इंसान का दिमाग का दही हो जाएगा, फिर वो कंफ्यूज होता फिरेगा कि मैं क्या करूँ कल। तो काम सभी में बांट दिया जाता है ताकि जो क्लाइंट है थोड़ा सा वो हल्का फील करे, थोड़ा रिलैक्स फील करे, ऐसा नहीं है कि बोझ आ गया उसके ऊपर। तो सबको काम बांट दिया जाता है ताकि प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा आसानी से काम करे, तो वो इस चीज़ में मेंशन होता है। ठीक है, कि किस चीज़ का काम क्या है, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, ताकि आगे जाके लोग आपस में ना झगड़ने लग जाए कि नहीं मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, ये है वो है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो, ये यहाँ पे हमें पहले मेंशन होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोजेक्ट स्टेजेस, कि प्रोजेक्ट की स्टेजेस क्या क्या होंगी। ठीक है, देखिए, कोई भी जब प्रोजेक्ट हम लेके चलते हैं, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसके फेजेस होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ चलो एक काम करते हैं, बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, चलो खड़ी कर दो, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे प्रोजेक्ट के कुछ फेजेस होते हैं, स्टार्टिंग कैसे होती है, उसका कंसेप्ट क्या रहेगा, उसका कैसे क्या रहेगा, उस चीज़ को समझने के लिए फिर से अपना हमारे इस पे सैंपल पे चलते हैं। सो नीचे आते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप इसको अगर देखें तो ठीक है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला पार्ट तो यही। ठीक है,
अब ये है बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट स्टेज, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है डिज़ाइन फेजेस की, प्रोजेक्ट का डिज़ाइन फेज क्या रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग या कंसेप्ट डिज़ाइन, ठीक है। फिर इसके बाद स्कीमेटिक डिज़ाइन आता है, बेसिकली यहाँ पे बिल्डिंग के जो बेसिक बेसिक कंपोनेंट्स हैं लाइक डो वॉल्स डोर्स विंडो सीलिंग वगैरह, वो सब यहाँ पे होता है। डिज़ाइन डेवलपमेंट यानी कि प्रोजेक्ट को थोड़ा और डिटेल लेवल पे डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि HVAC पे MEP पे काम किया जाता है, थोड़ा और प्रोजेक्ट को इन्हेंस किया जाता है। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन, जो यानी कि कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे की जाती है। फिर कंस्ट्रक्शन फेज होता है, फिर कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेशन फेज होता है, फिर प्रोजेक्ट क्लोज आउट फेज होता है, और एज बिल्ट रिकॉर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट पूरा स्टेज होता है, यानी कि प्रोजेक्ट किस प्रकार से प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। अब देखिए कोई भी जब बिल्डिंग बनती है तो जैसे आप देखते होंगे कि बड़े बड़े यूनिक जो है डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कोई भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा और वॉट एवर, जो भी आप प्रोजेक्ट के बड़े बड़े जो यूनिक डिजाइन देखते हैं, बिल्डिंग के यूनिक डिजाइन देखते हैं, वो 1% का काम नहीं है या 1 दिन का काम नहीं है, वो फेजेस में होता है। फाइनलाइज किया जाता है कि बिल्डिंग कैसे दिखेगी, किस प्रकार से दिखनी चाहिए, वो सब डिजाइनिंग में ही क्लियर होता है। वो प्रोग्रामिंग में पहले उसका कॉन्सेप्ट बनता है, चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, फिर उसको आगे भेजा जाता है और डिटेल वर्क के लिए, देन आफ्टर द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो इस प्रकार से होती है। तो इसमें अलग अलग लेवल पे, अलग अलग फील्ड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे लोग काम करते हैं, तो सबका अपना अपना रोल यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। तो आपको चीज़ें अब थोड़ी सी क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट स्टेज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है LOD, दैट इज लेवल ऑफ डेवलपमेंट और लेवल ऑफ डिटेल। मेरे ख्याल से इस चैनल पे पहली बार इस टर्म का जिक्र हुआ है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट और लेवल ऑफ डिटेल। इसको समझने के लिए बेसिकली आप में से जिनको आइडिया नहीं है कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि बिल्डिंग को जब हम बनाते हैं तो उसमें कितना लेवल ऑफ डेवलपमेंट हमें करना होता है, मतलब कितना डिटेल हमें ऐड करना होता है। अब देखिए जब आप हमारी जब आप रेवेट की वीडियोस देखते हैं तो एक चीज़ आप नोटिस करते होंगे कि प्रोजेक्ट एक तो कई बार बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चला जाता है, और एक ऐसा डिटेल होता है कि हाँ चलो वॉल्स और विंडोज़ और डिज़ाइनिंग तक ही सीमित रह जाता है। कभी सवाल आया कि ये इतना डिफरेंस क्यों? तो बेसिकली इसमें बात ये है फर्क किसका, लेवल ऑफ डेवलपमेंट का, कि आप प्रोजेक्ट को किस हद तक डेवलप करना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट में क्या करना चाहते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको सीधा सीधा मतलब बताऊं तो इसमें ना 5 तरीके के हमारे डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे कि LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 450, LOD 500। तो ये अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स होते हैं, और हर एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट, हर एक LOD का अपना अपना एक मतलब होता है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इतना समझ लीजिए कि LOD 100 जो है वो एक बेसिक लेवल माना जाता है, बेसिक चीज़ें होती है उसमें, ठीक है, यानी कि जो CAD वाला काम है वो किया जाता है। फिर LOD 200 बेसिकली जहाँ पे बिल्डिंग के वॉल्स डोर्स विंडो सीलिंग इनके 3D मॉडल्स पे काम किया जाता है, एक स्कीमेटिक डिज़ाइन बनता है, एक लीन बीम मॉडल बनता है। फिर बाद में आगे जाके उसमें और डेवलपमेंट ऐड करने के लिए, जैसे थोड़ा प्रोजेक्ट और डिटेल में जाता है, LOD 300 में पहुँचता है, तो उसमें HVAC वर्क या डिज़ाइनिंग वर्क का काम चलता है। फिर LOD 400 में चीज़ें थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन के बेसिस पर चलती हैं, ठीक है, और कह सकते हो कि सब लोग एक साथ आके काम करते हैं वर्क शेयरिंग के थ्रू। और LOD 500 लास्ट होता है एज बिल्ट, ओके, एज बिल्ट स्ट्रक्चर जो है वो LOD 500 में हमें देखने को मिलता है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था अबाउट द LODs, ओके। अब सवाल ये कि इसको मैं जानना क्यों चाहिए, LOD को क्यों जानना चाहिए। अब देखिए जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट को हम कितना हद तक डेवलप करना चाहते हैं, कितना हद तक हमें उसको डिटेल में ले जाना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली कंपनी आपको बताएगी उस वो किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा हमारे BIM एग्जीक्यूशन प्लान के ऊपर। प्रोजेक्ट मतलब क्लाइंट आप मतलब बेसिकली BIM इंजीनियर उसमें मेंशन करेगा कि कितना हद तक उसको डेवलप करना है, LOD 300 पे करना है, 450 पे करना है, 500 पे करना है, तो बेसिकली उसमें वो चीज़ें मेंशन होती है। तो चलिए प्लान पे चलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें भी आप देख सकते हो, अगर आपको ज़्यादा अच्छे से LOD को और अच्छे से समझना है, तो ये है आपका डिज़ाइन फेज। तो डिज़ाइन फेज में यहाँ पे मेंशन है
LOD 0 to 100 बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। स्कीमेटिक डिजाइन, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बिल्डिंग के बेसिक्स पे काम होता है, तो LOD 100 से 200, ठीक है। फिर LOD 200 से 300 बेसिकली डिजाइन डेवलपमेंट पर चला जाता है, तो जैसे जिसमें HVAC, इलेक्ट्रिकल पम्पिंग वगैरह इन सब पे काम होना शुरू होता है। फिर कंस्ट्रक्शन फेज होता है बेसिकली 200 to 300, फिर यहाँ पे डिजाइन मॉडलिंग फेज और एज बिल्ड जो रिजल्ट लास्ट में आता है वो आता है आपका 500, ठीक है। तो वो यहाँ पे मेंशन होता है, दैट इज द डिटेल लेवल पे, तो यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो वो ये चीज भी मेंशन होती है, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली ओवरऑल अबाउट द LOD, दैट इज द लेवल ऑफ इट। नेक्स्ट आता है मॉडल एलिमेंट्स। ओके, मॉडल एलिमेंट्स में क्या होता है, बेसिकली फैमिलीज वगैरह मेंशन होता है कि कौन से फैमिलीज का यूज किया जाएगा, ठीक है। वो सब एक बेसिक डिटेल उसमें मेंशन होती है, उससे ज़्यादा उसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसके अलावा नेक्स्ट जो मेन पॉइंट आता है, डैट इज़ द सॉफ्टवेयर यूज। प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाने वाला है। अब देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि रेविट है, नेविस वर्क है, सिविल सिडी है, ये ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं। लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होने वाला है, एक आर्किकैड भी है, देखा जाए तो आर्किकैड भी BIM, ठीक है, ई टाइप्स भी आपका BIM, तो अलग अलग जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें कौन कौन सी सॉफ्टवेयर यूज होने वाले हैं वो सब भी मेंशन वहाँ पे होता है। जैसे MEP वर्क के लिए रेविट MEP यूज होता है, आर्किटेक्चर वर्क के लिए रेविट आर्किटेक्चर या आर्किकैड का यूज होगा यहाँ पे, स्ट्रक्चर वर्क के लिए ETABS यूज होता है, जो प्लम्बिंग वर्क है उसके लिए MEP, जैसे मैंने आपको बताया रेविट MEP यूज होता है। तो अलग अलग फील्ड के रिगार्डिंग, अलग अलग चीज़ों के रिगार्डिंग सेपरेट सेफ्टी यूज का मेंशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था ओवरऑल बीम एग्जीक्यूशन प्लान। अब हम आ जाते हैं अपने जो है प्लान के ऊपर। सो यहाँ आ जाते हैं, ये है आपका बीम एग्जीक्यूशन प्लान। तो जैसे मैंने आपको दिखाया ही था कि इस प्रकार से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं USG स्टैंडर्ड मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ओवरऑल मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, जितना हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया ना, उसके अलावा और भी बाकी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि प्रोजेक्ट गोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि प्रोजेक्ट के गोल्स क्या हैं, मेन मोटिव्स यहाँ पे क्या हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो समरी यहाँ पे दी हुई है, ओवरऑल सबनी यहाँ पे क्या है, ठीक है। प्रोजेक्ट फेज यहाँ पे मेंशन है, USG प्रायोरिटी मेंशन है, ठीक है, कि प्रायोरिटाइज किसको किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे मेंशन होता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, इंक्लूडिंग द वर्जन एंड द ईयर। तो आप बहुत बार सोचते होंगे कि इतने सारे वर्जन सारे इनका मतलब क्या है, क्या यूज़ है। तो ये देखिए, हर तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेविट का मेंशन है, ठीक है, या और कोई यहाँ पे दूसरा सॉफ्टवेयर है, नेविस वर्क है, यहाँ पे सिविल सिटी का भी जिक्र किया गया है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे चलेंगे तो नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर यूज़ जो और अदर पर्पज़ के लिए, मान लीजिए कोई भी और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब डिजाइनिंग के थ्रू या लेके हो सकता है स्केचअप का यूज़ किया गया हो, 3ds Max का यूज़ किया गया हो, वो भी अगर जैसे यूज़ किया गया है इनटू दिस प्रोजेक्ट्स, तो वो भी यहाँ पे मेंशन होता है। नीचे चलेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कोलैबोरेशन, ओके, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो कोलैबोरेशन वाला पार्ट भी यहाँ पे मेंशन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस और उसके बाकी जो बेसिक डिटेल्स हैं, शेयर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, वो भी यहाँ पे शेयर किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आए हैं तो यहाँ पे है मीटिंग प्रोसीजर्स, की मीटिंग प्रोसीजर्स कैसे रहेंगे, लाइक यहाँ पे बिम रिक्वायरमेंट्स डिजाइन किक ऑफ, मतलब कब से शुरू हो रहा है, वंस, ठीक है, प्रोग्रामिंग के थ्रू। फिर FDS प्लानिंग, डिज़ाइन कोऑर्डिनेशन, ठीक है, डिज़ाइन कोऑर्डिनेशन, ये सब वो सब यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से कंपनीज होंगी, लोकेशन क्या होगी सबकी, वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ताकि जो है कोलैबोरेटिव वर्क प्रॉपरली चलता रहे, ओके। नीचे जब मैं थोड़ा स्क्रॉल और नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रॉम द, तो मुझे थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा इसको देखने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ। तो ये है द डाटा विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम द पार्टी, ओके, फ्रॉम द पार्टी इन टू द फॉर्मल रजिस्टर्ड, ओके। तो मैं थोड़ा सा और रोटेट करके वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ पे हर चीज़ मेंशन दी हुई है, जैसे कि ठीक है, ये डिज़ाइन ऑथरिंग है और फैब्रिकेशन पार्ट है, तो जैसे यहाँ पे आर्किटेक्ट, ओके, फिर यहाँ पे IFC फाइल का मेंशन किया गया है, रेविट वर्जन्स का मेंशन किया गया है, DWG फाइल्स का यहाँ पे मेंशन किया गया है, और स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ठीक है, सभी के जो डिज़ाइन काम है वो अलग चल रहा है,
और जो फैब्रिकेशन पार्ट है वो अलग चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DWG फाइल्स हैं, अलग अलग वर्जन यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं और यहाँ पे ये सब मेंशन। इसके बाद यहाँ पे फैकल्टी डाटा देखने को मिलता है, जहाँ पे जो फैकल्टी है वो सब यहाँ पे मेंशन होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है डिज़ाइन अथॉरिटी, ओके। डिज़ाइन अथॉरिटी क्या है, आर्किटेक्चर मॉडल क्या है, जो बेसिक जो यहाँ पे देख सकते हैं, प्लम्बिंग मॉडल क्या है, फूड सर्विस मॉडल क्या है, वो सब यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। फिर नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे मिलता है डिलीवरेबल मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ पे जो ये बिम सेमेस्टरल प्लान है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंप्लीट बीई डेवलपमेंट स्केड्यूल यहाँ पे है, बीईपी डिज़ाइन स्केड्यूल है, स्कीमेटिक डिज़ाइन है, फैकल्टी डाटा, डिज़ाइन डेवलपमेंट, डिज़ाइन कोऑर्डिनेशन, कंस्ट्रक्शन, स्पेस मैनेजमेंट, वो सब यहाँ पे मेंशन किया जाता है, जिसके अंदर फाइल सेंडर, रिसीवर कौन है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, ठीक है, स्टेज कौन सी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी और डिलीवरी, फाइल टाइप और नोट्स, ठीक है, वो सब इसमें मेंशन यहाँ पे होते हैं, ओके। नीचे और चलेंगे तो यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। नीचे चलेंगे, नीचे आता है मॉडल की क्वालिटी, मॉडल किस प्रकार से, जो मॉडल की जो क्वालिटी है वो किस प्रकार की है, ताकि हम ये देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो कितनी हद तक एक्सटेंड हुई है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन होते हैं। वीकली बेसिस पे हो रहे हैं या वार्निंग्स वगैरह आ रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको रीड करें तो, जैसे यहाँ पे डज द मॉडल अथॉरिटी फॉर्म परफॉर्म अ मॉडल ऑडिट इन रेविट वीकली, क्या वो कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है। मतलब बेसिकली गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई हैं जो कि बिम कोऑर्डिनेटर को देखना होता है, बिम कोऑर्डिनेटर का काम होता है बिम एग्जीक्यूशन को संभालना। तो वो यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे बेसिकली वो रूल रेगुलेशन यहाँ पे दी हुई कि चीज़ें सही से चल रही हैं, नहीं क्लैशेस तो नहीं हो रहे, दिक्कत तो नहीं आ रही, ताकि कोऑर्डिनेशन आपस में बना रहे, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, वर्क शेयरिंग का है, रूम स्पेसेस का है, डाटा एलिमेंट्स का है, सभी का यहाँ पे। फिर बिम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, जैसे कि बिम यूज ओवरव्यू एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, टीम मेंबर्स इन्वॉल्व, ठीक है, बिम यूज डिलीवरेबल एंड प्रोजेक्ट टाइमिंग, यूज बिम यूज प्रोसेस इंफॉर्मेशन और बिम यूज प्रोटोकॉल, बेसिकली प्रोटोकॉल गाइडेंस यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। फिर रिकॉर्ड मॉडलिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। फिर एसबल मॉडलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। लास्ट में है FDS स्केड्यूल, ठीक है, बेसिकली माइंडस्टोन, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ठीक है, बेसिकली ये लास्ट पार्ट होता है, उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे कुछ नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट जिसमें हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड लाइक इनकॉर्पोरेट रिक्वायर्ड, USG फैसिलिटी, डाटा एट्रीब्यूट फील्ड्स, नो वैल्यू ब्रैकेट में इनटू मॉडल एलिमेंट्स, स्पेटल एलिमेंट्स डिफाइंड, स्पेशल एलिमेंट डिफाइंड, फ्लोर एरिया एंड स्पेस रूम। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको और सब थोड़ा सा अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पे वो चीज़ मेंशन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल अबाउट द बिम एग्जीक्यूशन प्लान, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पार्टी यहीं पर ख़त्म हो गई, क्या चीज़ें यहीं पर ही फिनिश हो गई? नहीं, अभी फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये बिम एग्जीक्यूशन के पर्पस क्या है, किस लिए काम आ रहा है, मेरे का क्या काम का है, मुझे बताइए ज़रा। देखिए, पहली बात तो देखिए, जैसे आप हमारा चैनल फॉलो करते आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि हम सॉल्यूशंस के ऊपर ट्यूटोरियल्स देते रहते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते रहते हैं। तो जब बात आती है आफ्टर लर्निंग द सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ, आपने सीखा, तो आफ्टर दैट जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो ये जो बिम एग्जीक्यूशन वाला सवाल है, ये कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है। अगर आप एज अ बिम इंजीनियर, बिम कोऑर्डिनेटर, बिम मैनेजर के बेसिस पे जा रहे हो, तो क्योंकि ये BIM का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, कि चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पे अगर आप इसका नाम से ही पता लग रहा है, बिम एग्जीक्यूशन प्लान, यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का जो एग्जीक्यूशन प्लान है वो कैसा होगा। क्योंकि प्रोजेक्ट अगर हम कोई स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि एक बार में स्टार्ट कर दिया, नहीं, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब डिजाइनिंग का काम अलग से चलेगा, फैब्रिकेशन का अलग से चलेगा, डिजाइन, जैसे आपका अगर डिजाइनिंग फेज कंप्लीट हो गया तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि वो डिज़ाइन फिक्स हो जाता है। बहुत बार ऐसा लगता होगा कि चलो ठीक है, प्लान बन गया, वो फाइनल है, नहीं, ऑन द स्पॉट, ऑन द साइट
चीज़ें सिचुएशन हमेशा चेंज होती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशंस करना, चेंजेस करना, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अलग प्रोसेस हो जाता है कि वहाँ पे जब हम कंपनी में काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिनको आपको रीड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बारे में शायद आपको जानने के बाद पता चले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीज़ें आप सॉफ्टवेयर सीखे जा रहे हो, आपको और कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं। तो इसी पर्पज़ से इसी चीज़ को दूर करने के लिए, क्योंकि ये सवाल मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा था और मैंने उसको बता भी दिया था बाद में, एंड इसी तरीके से बताया था, ओके। तो बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट इज़ टू फुलफिल द ऑल रिक्वायरमेंट्स, टू फुलफिल द ऑल जो नेसेसरी चीज़ें हैं प्रोजेक्ट के अंदर वो फुलफिल हो सके, ताकि चीज़ें कोऑर्डिनेशन में चलें, ताकि धक्का मुखी ना हो, लोग मतलब स्टेक होल्डर्स हैं वो नाराज ना हो जाए कि जी हमारा क्या इसमें रोल था, हमारा तो मेंशन ही नहीं है, क्रेडिट हमें दिया नहीं क्या। तो वो सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट में मेंशन होती हैं, ताकि जाके जब अगर कोई लीगल एक्शन होता है तो वो हम इसमें शो कर सके, ये हमारा भी मेडिकेशन देख लीजिए, तो किसने क्या काम किया था वो भी इसमें मेंशन होता है, तो फिर आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लानिंग को बेसिकली बस प्लानिंग को थोड़ा और आसानी बनाने के लिए, BIM के प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कि कैसी चीज़ें क्या एग्जीक्यूट करी जाएंगी, कैसे एग्जीक्यूट करी जाएंगी, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े हैं, लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उन सबको हैंडल करने के लिए BIM एग्जीक्यूशन प्लान का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल अबाउट द BIM एग्जीक्यूशन प्लान। सो अब चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी कि ये किस चिड़िया का नाम है, क्या काम है इसका, चीज़ों को मैनेज करने के लिए काम आ रहा है, दैट्स इट, चीज़ों को आसान करने के लिए। तो ये था हमारा ओवरऑल अबाउट दिस टॉपिक, एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी आज की। तो मुझे ज़रा बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो लगा अच्छा, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, क्योंकि कैमरे पे जब आप हमें देखते हैं, जब आप हमारी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो हमें बड़ी दिल से खुशी होती है, ठीक है। तो अगर मेहनत हमने करी है आपके लिए, दिन रात जाकर वीडियोस बनानी पड़ती है, तो अगर वो मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, इससे हमें बहुत अच्छा लगेगा, एंड हम थोड़ा सा और मोटिवेटेड फील करेंगे कि ताकि हम और आपके लिए नेक वीडियोज़ लेके आएँ। एंड अगर आप लोग थोड़े इच्छुक हैं कि लाइक चलो यार मतलब इसी बहाने कोर्स भी सीख लिया जाए, नहीं तो PTS का एक्सपर्ट ऐप, अगर आपने नाम नहीं सुना है तो मैं आपका नाम बता देता हूँ, PTS का एक्सपर्ट ऐप, या इसी नाम से हमारा एक ऐप अवेलेबल है, दैट इज PTS का एक्सपर्ट ऐप ऑन द प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मिल जाएगा, जहाँ पे हमारे बहुत तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं, 30+ कोर्सेज हैं, वराइटी है, आप जो चाहे सीखना चाहे सीख सकते हैं, वो भी कम कीमत पर, आपको कोई लाख या ज़्यादा 10-20,000 देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात, रेविट MEP जो है, अगर आप सीखना चाहते हैं, खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको हमारे लाइव किए हुए रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे, प्लस हमारे रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें उस ऐप के ऊपर अवेलेबल है, गो एंड चेक आउट व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोग ये जानना चाहते हो जाने से पहले कि रेविट के अंदर हम AI के थ्रू कैसे रेंटिंग कर सकते हैं, तो आप आई गेस यहाँ आ गया होगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मेरी रेविट की प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू लव दिस वीडियो, एंड इफ यू लव दिस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बस आज के लिए इतना है, टिल देन रजत फसल हियर सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर, एंड यप keep learning and keep growing. Bye bye, take care, thank you.